तो भाई आज हमारे रूटीन में पूरा पूरा चेंज है। आज हम देखो कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। चलो वो अब स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं अपना जो बैक का वर्कआउट करता हूँ मैक्सिमम टाइम लैट पुल डाउन से स्टार्ट करता हूँ। कभी कभी मैंने डंबल से भी स्टार्ट किया है, डंबल रोइंग से, लेकिन आज मैं पहली बार यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि आज मेरा पहली बार आई गेस जमानों के बाद मैं सुबह 8 बजे जिम के अंदर हूँ। तो वो जो फील होता है रियल बॉडी को बेसिकली एक्टिव करने के लिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि यहाँ पर मुझे ज़्यादा जोर भी ना मारने पड़े और जो मेरा एक्टिवेशन है लैट वो अच्छे से हो पाए। तो मेरे डबल डबल फायदे हो रहे हैं इसमें। लेकिन फिर से वही चीज़ है यार, एक्सटेंशन नहीं है यार, यहाँ पे पैर नहीं अटका सकते। मेरे को इतना तो चाहिए फुल स्ट्रेच करने के लिए, फिर ये पैर फिसलते हैं यहाँ से। चलो शुरू करते हैं, बहुत लोगों की शिकायतें। लेट्स गो विद आवर फर्स्ट सेट। सेक्सी वाला स्ट्रेच आ गया भाई। तो इस सेट को करने के बाद मुझे पता है क्या रियलाइज हुआ है, जब हम इसको दूसरे या तीसरे राउंड के एक्सरसाइज में करते हैं तब मुझे ज़्यादा फील नहीं होता, लेकिन आज जब मैं इसको फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ ये मेरे को ज़्यादा फील हो रहा है लैट से, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उतना इंगेज नहीं था अभी तक और उतना वो जो ब्लड पम्प वाला सिचुएशन होता है वो ऑलरेडी होता था। इसमें अभी फील हो रहा है मुझे कि भाई ब्लड जा रहा है यहाँ पे। तो शायद अब मैं कुछ टाइम तक यही एक्सरसाइज को फर्स्ट प्रायोरिटी देने वाला हूँ। तो शुरू करते अपना तीसरा और आखिरी सेट इसका। एक्चुअली थोड़ा और हैवी जा सकता हूँ, ज़्यादा हैवी नहीं, लेकिन सिर्फ इतना हैवी कि लैट्स एंगेज रहे और मैं थोड़ा पीछे ना जाऊँ बैलेंस करने में। भाई साहब सैटरडे को जो हमने हैमस्ट्रिंग वाला वर्कआउट किया है ना, पूरी पूरी हैमस्ट्रिंग अभी तक टाइट है।
थोड़ा वाइड लेते हैं। तो ये हो गया हमारा टेस्ट वाला सेट, चेक करते हैं फॉर्म। तो इस एक्सरसाइज में ना मैं पहले काफी हैवी वेट उठाया करता था, मतलब 20 किलो की रोड रहती थी और तकरीबन 20 या 22.5 किलो के आसपास में एक तरफ डाल लिया करता था। लेकिन उससे क्या होता था, मेरी बॉडी ना कहीं जहां मैं चाहता हूँ कि वो ऑलमोस्ट 90 डिग्री के एंगल पे रहे, पैरेलल टू फ्लोर रहे, वो हल्की सी ऊपर रह जाती थी, 45-60 डिग्री का एंगल बनता था। तो अब हम कोशिश करते हैं, जब वो नीचे की तरफ जा रही है तो ऑलमोस्ट वो पैरेलल रहे, हवा लग पाते, जब हम उधर से किक करते हैं उसको पीछे की तरफ, आई मीन पुल करते हैं, वो थोड़ा सा यहाँ पे आ जाता है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी जरूरी है इतना। तो लेकिन जब हम स्ट्रेच कर रहे हैं तो वो हल्का सा पैरेलल रहे, तो उसके लिए लाइट वेट रहना बहुत जरूरी है, मतलब इतना लाइट वेट भी नहीं। इस वाली एक्सरसाइज में अगर तुमने गौर किया हो तो मैंने ना थोड़ा सा वाइड पकड़ा हुआ है, पहले मैं थोड़ा क्लोज पकड़ता था जिससे कि लोअर लैट्स पे आया मेरा, लेकिन अब कहीं ना कहीं मैं अपर बैक को टारगेट कर रहा हूँ, उससे थोड़ा सा मैंने डिस्टेंस है इसका ग्रिप का वो थोड़ा सा वाइड है ताकि अपर बैक ज़्यादा एंगेज हो और उसी की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा वेट कम उठाना पड़ रहा है, वरना फिर पूरा लोअर बैक पे आ जाएगा। तो फाइनली अब चलते हैं लैट पुल डाउन पे, जो हमारी पहले एक्सरसाइज हुआ करती थी अब वो हमारी सेकंड लास्ट एक्सरसाइज है, नहीं एक्चुअली थर्ड लास्ट। ओके शुरू करते हैं अपना सेकंड सेट। नहीं यार हैवी चाहिए मुझे, मुझे नहीं पता लाइट वाइट नहीं हो रहा हमारे से, 4-5 लैप खींचेंगे, अच्छा खींचेंगे। खींचने की ताकत खत्म हो गई भाई साहब, लगता है कि मैं हैवी उठा लूंगा लेकिन हैवी उठ नहीं रहा।
हो गया भैया, तबस्सुम जिंदगी हो गया हमारा। ये वाला एंगल लगाया मैंने अपनी शक्ल दिखाने के लिए कि मेरी शक्ल कैसे बनने वाली है। खत्म है मामला भैया, लेट्स का। तो अगर ये लास्ट वाला तुमने मेरा सेट देखा हो तो इसे बहुत सही एक चीज देखने को मिल रही है, मेरी ग्रिप, कि मेरी ग्रिप किस तरह की है। बिल्कुल हुक वाली ग्रिप बनाई हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैंने थंब वाला ग्रिप बना लिया तो कहीं ना कहीं मेरे फोर आर्म्स पहले पड़ जाएंगे और वो जो लैट एंगेजमेंट होता है पूरा आएगा नहीं। लेकिन जो हुक वाला है भाई साहब, वो कहते हैं ना सिर्फ एल्बो से खींचो, एल्बो से खींचो, इट्स दैट। अगर आपका ये वाला हुक ग्रिप रहा ना तो सारा का सारा जो एंगेजमेंट आपके लैट पे आएगा। तो इस एक्सरसाइज का हमारे लास्ट सेट रहेगा, तीसरा सेट। इसमें सबसे जरूरी सीखने वाली चीज पता है क्या है? सबसे पहले तो फुल स्ट्रेच जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और सबसे जरूरी चीज क्या हो जाता है जब हम नीचे लेके आते हैं ना, इसको हम अपनी तरफ खींच तो रहे हैं लेकिन सबसे पहले हम जमीन की तरफ खींचते हैं। मेरे पहले रैप पे ध्यान देना, ठीक है? ये गया हमारा फुल स्ट्रेच, कॉन्ट्रैक्शन नीचे की तरफ पुश करके, आई मीन पुल करके, नीचे 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 बॉडी पे आया। तो ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज अभी बैक के लिए, जिसमें कि हम अपने ट्रैप सेट करने वाले हैं। थोड़ा सा एंगल बना के
तो ये हमारी आज की आखिरी एक्सरसाइज प्रीचर कर्ल, जिसमें हम अपने बाइसेप को हिट कर रहे हैं। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट तो नहीं हुआ करती थी, लेकिन हाँ ठीक है, मतलब इसमें स्ट्रेच अच्छा आ जाता है, कॉन्ट्रैक्शन अच्छा आ जाता है, बेसिकली आपके जो बाइसेप है उसको लेंथन करने के लिए काफ़ी इफेक्टिव है। तो करते हैं चलो। तो इसके मैंने टोटल 3 सेट लिए, ये मेरा आज का आखिरी सेट है। हरिओम।